सबसे पहले डॉक्टर सुराना को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये किताब लिखी। आज इस किताब को पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे दुनिया को समर्पित किया जा रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है कि इस पावन अवसर पे, पवित्र अवसर पे मुझे बुलाया गया और मैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बना। आचार्य श्री महाश्रवण जी से दो बार मुलाकात हुई, एक बार गांधीनगर में, एक बार मेहरोली में। मुझे सौभाग्य मिला। हम सब लोग जानते हैं कि जून से आचार्य श्री महाप्रज्ञ का जन्म शताब्दी का साल शुरू हो रहा है, उसको भी हम सब लोग बड़ी धूमधाम के साथ पूरा साल मनाएंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महानुभाव इस पृथ्वी पे बहुत कम जन्म लेते हैं। उनके जीवन को एक पुस्तक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम डॉक्टर सुराना ने किया है। आज हमारा देश, हमारा समाज बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां चारों तरफ नैतिक मूल्यों का एक तरफ पतन हो रहा है और मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म का ऐसा दौर है कि बस किसी भी तरह से हर इंसान का एक ही मकसद रह गया, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। 24 घंटे आदमी पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। ये इनके इन प्रकार जैसे मर्जी पैसा कमाए, ऐसे में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समाज के सामने खड़ी है कि हमारे सामने ऐसे लोगों की बड़ी कमी हो गई है जिनकी तरफ सारा समाज देखे, उनके जीवन से, उनके संदेश से प्रेरणा ले और उनको अपने जीवन में ढाल सके। उन चंद लोगों में से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं जिनके जीवन से प्रेरणा लेके और जिनके संदेश को अपने जीवन में ढाल के आज भी समाज का भला हो सकता है। लेकिन उनके संदेश को और उनके प्रेरणादायी जीवन को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। वो कैसे पहुंचाया जाएगा? ये पुस्तक वो काम करेगी जब घर घर तक उनके जीवन और उनके संदेश को हमें पहुंचाना है। सरकार के अंदर रहते हुए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आचार्य श्री, उनका पूरा जीवन तपस्या में बीता, कठोर तपस्या की उन्होंने और उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज की भलाई के लिए और इंसानियत की, देश की भलाई के लिए उन्होंने बिताया। हमेशा गरीबों के और समाज के भले के बारे में वो सोचते थे और यही वो संदेश भी देते थे कि हमें अपने शब्दों में, सोच में, कर्मों में अहिंसा रखनी है। किसी के बारे में किसी के साथ गलत तो करना ही नहीं है, लेकिन किसी के बारे में गलत सोचना तक नहीं है, तभी सच असल में अहिंसा का पालन हो सकता है। और उसी तरह से निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में कम से कम धारण करके हमें ज्यादा से ज्यादा इस समाज को देना है। दिल्ली सरकार में रहते हुए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम बहुत छोटे और तुच्छ लोग हैं, लेकिन अपने जीवन में अगर आचार्य श्री के 1% संदेश और उनके विचारों को ढाल पाएंगे तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे।